जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपने बनानी हो तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि अगर आपने एक एरे बनानी है तो क्लास का नाम लिखना है आपने। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है तो यहाँ क्लास की जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट। और फिर उस क्लास के का जो की जो हम एरे बना रहे हैं उस एरे का नाम आएगा, और एरे का नाम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ओ बी जे एरे की नोटेशन आ जाएगी। फिर न्यू करके हम क्लास से स्टूडेंट और उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो एरे है अब साइज 10 है, 20 है, 30 है, क्या है, ठीक है। तो हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम बजाय 10 ऑब्जेक्ट अलग अलग से बनाने के, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक ही एरे बना लेंगे। और एक ही एरे के अंदर जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर लेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि फिर हम जो है उसके ऊपर लूपिंग कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखें, मेरे पास एक एग्जांपल है, क्लास है कार्स के नाम से, और दो उसके एट्रीब्यूट हैं, एक हम कह रहे हैं उसकी पावर होगी और एक हमारे पास उसका सीरियल नंबर हो। इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने और वो पावर और सीरियल नंबर की वैल्यू को सेट करेगा। जो मैन है उसमें हमने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए के बजाय हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक एरे बना ली। तो जो ऊपर हमने सिंटैक्स लिखा था उसमें यह था कि ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो एरे की ब्रैकेट्स आती हैं, तो यहाँ पे उससे शुरू में लिखी हुई हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सिंटैक्स यूज़ हो सकते हैं। आप कार्स या कार ए ऑफ एरे नोटेशन के बाद इक्वल करके न्यू लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे और उसका क्या बताएंगे, साइज बताएंगे। ये जो लाइन है ये इक्वल है, ये वाली लाइन इक्वल है कि आप जो है वो कार क्लास के 10 ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करें, ठीक है। तो अब हमने 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय उसके लिए क्या बना ली, एक ही एरे बना ली। और अब हम लिख सकते हैं कि ए एरे जो है ऑफ इंडेक्स 0, तो इट मींस कि ये जो एरे है ए उसकी जो इंडेक्स 0 है उस पर अब जो है वो एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, और वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, जिसके लिए पहली वैल्यू जो है वो पावर की वैल्यू है 800, और जो सेकंड वैल्यू है वो है सीरियल नंबर की वैल्यू। तो इससे होगा ये कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो इस एरे ए की इंडेक्स 0 पे जाके उसका रेफरेंस जो है वो स्टोर हो जाएगा, और जो पावर की वैल्यू है वो 800 हो जाएगी, और जो सीरियल नंबर की वैल्यू है वो 111 हो जाएगी। इस एग्जांपल को यहाँ पे मज़ीद मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़रा दोबारा देखें। जब हम लिख रहे हैं कार, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से समझना है आपने। हम कह रहे हैं कार्स या कार, और जो एरे है उसका नाम हमने क्या रखा, ए, ठीक है। तो हम चूँकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के नेम के साथ हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता बल्कि रेफरेंस वेरिएबल बनता है। तो इस केस में भी क्या होगा कि जब हम यहाँ पे एक एरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम क्या है ए, तो ये जो है ए इज़ इक्वल टू न्यू करके जब मैंने कार लिखा और उसका साइज डिफाइन किया, तो उससे क्या होगा कि उससे 10 ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं कि न्यू करके जब मैं लिख रहा हूँ कार ऑफ साइज 10, तो इससे 10 ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, बल्कि क्या होगा, इसके थ्रू 10 जो है वो रेफरेंस वेरिएबल्स बनेंगे। इसके थ्रू क्या होगा कि 10 रेफरेंस वेरिएबल्स बनेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो हमने ये जो डिफाइन किया हुआ है, ये हमने एरे की नोटेशन को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, और ये बेसिकली जो पहला ब्लॉक है ये पहले रेफरेंस वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ये जो दूसरा ब्लॉक है ये दूसरे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एरे बन रही है, ये एरे बन रही है, एरे जो है वो यहाँ पे एक्चुअली एरे नहीं बन रही, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे, बल्कि क्या बन रहे हैं यहाँ पे 10 रेफरेंस वेरिएबल्स बन रहे हैं। और जब आप लिखेंगे ना ए ऑफ ज़ीरो, तो ए ऑफ ज़ीरो से मुलाद होगा ये फर्स्ट वाला ब्लॉक, ठीक है, जिसको हम ए ऑफ ज़ीरो कह रहे हैं,
और न्यू जब हम लिखेंगे न्यू कार, तब जाके क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू कार के थ्रू क्या होगा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये फॉर एग्जांपल जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो जाके इस वाली लोकेशन के ऊपर क्या होगा सेव हो। तो इट मींस के जब तक हम AF0 करके न्यू नहीं लिखेंगे तब तक जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जो पहले वाली लाइन थी, इससे पहले वाली जो लाइन है उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे सिर्फ जो है वो एरे बनी है ऑफ साइज 10, यानी रेफरेंस वेरिएबल बने हैं 10, लेकिन वो जो 10 रेफरेंस वेरिएबल बने हैं उसकी इंडेक्स 0 पे अभी यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो जाके जिसको हम ए एफ ज़ीरो कह रहे हैं वो इस ब्लॉक के ऊपर जाके क्या होगा सेव होगा। सो ये ब्लॉक जो है वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस ब्लॉक पे अब दो वैल्यू सेव होंगी, एक है सीरियल नंबर की वैल्यू, हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी दो वैल्यू सेव होंगी, एक है सीरियल नंबर की वैल्यू और दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू होगी पावर की वैल्यू। ठीक है, तो ए एफ ज़ीरो इज़ एन ऑब्जेक्ट और सीरियल नंबर और जो पावर है वो क्या है उसके एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे ये किया है कि एक एरे बनाई, और यहाँ पे ये जो लाइन हमने लिखी इस लाइन में एक एरे बन रही है, लेकिन 10 ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे बल्कि वो 10 रेफरेंस वेरिएबल्स बन रहे हैं, और हमने अगर ऑब्जेक्ट स्टोर करना है उस इंडेक्स पे तो हमेशा हम न्यू के साथ उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जाके क्या होगा सेव होगा, और अगेन उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली वो कहीं मेमोरी में पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये जस्ट उसका जो है वो रेफरेंस जो है उसको स्टोर करने के लिए हेल्प कर रहे हैं हमें। जी तो अभी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये क्लास में क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकती हैं, क्योंकि ना आपने ऊपर तो बताया कि ऑब्जेक्ट के बाद आ रही हैं लेकिन प्रोग्राम में कहते हैं वो ऑब्जेक्ट से पहले आ रही हैं। मैंने बताया है कि ये दोनों सेंटेंस जो है वो आप यूज कर सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हम क्लियर हैं। यस सर। अजीब आपको कोई क्वेश्चन है? नो सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पर